सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आवर्त सारणी का मैंने ये पूरा चार्ट ले लिया है, आपके पास होगा या नहीं आप देखिए यहाँ से। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे आज वीडियो को। दोस्तों पूरा देखिए 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, आप आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इससे 1 या 2 नंबर का चाहे बोर्ड एग्जाम हो, 10वीं का दे रहे हो या 12वीं का या कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, तो उससे 1 नंबर का आता ही आता है। चलिए हम जानेंगे आज पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कितने ब्लॉक हैं। सबसे पहले देखें दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये दोनों यानी कि पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, ये दोनों आते हैं एस ब्लॉक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व, ये क्या है दोनों, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, अब आती है ये वाली, और ये यहाँ से जो यहाँ तक देख रहे हैं आप, यानी कि यहाँ से दिया हुआ है, देखिए तीर का निशान यहाँ दिया हुआ है, इसको दोस्तों हम बोलेंगे डी ब्लॉक तत्व, इसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक तत्व, यानी ये दोनों भाग हो गए एस ब्लॉक तत्व, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए आप, यहाँ इधर देखिए, यहाँ से जो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये सब आपका पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, हालांकि ये क्या है, एक नोबेल गैस है। ये क्या आपका, ये नोबेल गैस है। ठीक है, ये आपका नोबेल गैस है, जिसे हम अक्रिय गैस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसको आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, नोबेल गैस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप का। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके लास्ट वाले सेल में, इसके लास्ट वाले सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, इसके लास्ट वाले सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको इस नोबेल गैस के बारे में। नोबेल गैस दोस्तों ये जो 18 वाला जीरो, इसको क्या बोलते हैं, नोबेल गैस। जैसे दोस्तों हीलियम ले लो, हीलियम ले लो, और क्या है, नियोन है, और फिर क्या आपका आर्गन है, ये सब जितना देख रहे हो ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और आपका है यहाँ पर रेडॉन है, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब सारे क्या है दोस्तों, ये जीरो ग्रुप के तत्व हैं। जीरो ग्रुप क्यों बोलेंगे, क्योंकि लास्ट वाला सेल जो है भरा रहा था, आउटर मोस्ट, सॉरी इसका फुल भरा रहता है। जैसे हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जैसे नियॉन की बात करें हम, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 होगा और 8 होगा। तो देखिए 8 है, तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, अस्थायी होना चाहता है, इसलिए तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ, इसलिए ये क्या है, अस्थाई है, इसलिए इसे हम नोबेल गैस बोलते हैं, ये किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उसी तरह आप आर्गन के देखो, आर्गन क्या, 2 8 8 2 8 10 8 18, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, तो उसी तरह दोस्तों ये 8 है, इसके भी लास्ट इलेक्ट्रॉन में 12 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी सेल क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसलिए ये भी क्या है, निष्क्रिय गैस है। हीलियम की बात करें दोस्तों, इसका तो हीलियम क्या, इसका 2 ही होता है, तो ये क्या है, डाई एटोमिक है। ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी एक नोबेल गैस है। ठीक है, चलिए अब क्रिप्टॉन उसी तरह क्रिप्टॉन जेनॉन उसी तरह क्या आपका रेडॉन है। ठीक है, रेडॉन देख सकते हैं आप, यहाँ आयरन होता है रेडॉन का। ठीक है, चलिए तो आप हीलियम गैस जो नोबेल गैस था ये आप समझ पाए, इसको क्या बोलेंगे हम, नोबेल गैस बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि पूर्ण रूप से भरा रहता है, ये कभी अभिक्रिया में भाग नहीं रहता है। अच्छा, ये जो सारे जो नोबेल गैस है ना, इसकी खोज किसने की, आप इसको भी याद रख लो, इसकी खोज दोस्तों रैमसे ने की है, ये भी याद रख लो, रैमसे ने की है सन 1900 में। ठीक है, इसको याद रख लो आप, जो नोबेल गैस, ये हमारा नोबेल गैस है, इसकी खोज रैमसे ने 1900 ईस्वी में की, ये भी याद रख लो। ठीक है, चलो तो देख लिया आप ये सब, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, पी ब्लॉक का तत्व था, और ये क्या आपका, ये पी ब्लॉक में नहीं आता, ये नोबेल गैस है। ठीक है, चलो और ये, और यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक का तत्व, इसको समझ लिया, चलिए और ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक का तत्व। एस ब्लॉक में अब देखिए इस तत्व को कैसे याद करेंगे दोस्तों, मैंने इस एलिमेंट को याद करने के लिए कुछ ट्रिक लिया है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा आपको, हालांकि मैंने सारे एलिमेंट को याद करने का ट्रिक नहीं लिया, जहाँ तक मुझे सपरा मैं वहाँ तक आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ इन दोनों को याद करने की, चलिए देखिए ट्रिक देखिए आप। तो दोस्तों ट्रिक देखिए आप, ट्रिक जो आपका दोस्तों पहला जो ये जो एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक, ये देख, ये दोनों क्या आपका एस ब्लॉक है, ये दोनों एस ब्लॉक है, इन दोनों को हम कैसे याद करेंगे, ये सब एलिमेंट को कैसे याद करेंगे, ये सारे एलिमेंट को कैसे याद करेंगे, तो मैंने इसका कुछ ट्रिक लिया। देखिए आप, मैंने ट्रिक लिया है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ये है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, टोटल दोस्तों 18 ग्रुप है, ये देखिए ये भी बताया 18 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप है, ये भी कुछ याद रख लो, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, ये इसमें टोटल कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है, यानी कि समूह जिसको बोलते हैं। अब बात है आवर्त की, आवर्त भी जान लो, आवर्त होते हैं 7, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आवर्त है, 7, देखिए ये दिया हुआ भी है, तो इसको भी याद रख लो, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं, इसको आप याद रख लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए तो ये पहले एलिमेंट है, तो पहले में कैसे याद करेंगे, पहले में कौन कौन आता है, तो देखिए मैंने इसका ट्रिक लिया है, या
हेलिना के रबरी से फ्रूट निकला। अब देखिए, हे से आपका हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, नास हो गया सोडियम, के से हो गया पोटेशियम, और रबड़ी, रबड़ी मतलब आरबी से हो गया करुबिडियम, और से सीजियम, और फ्रूट से फ्रांसियम। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, ये समझ लिया। अब ये इस वाले को देखिए, आप इस वाले का भी मैंने लिया है, इस वाले का आपका है बेटा मांगे कैल्शियम सिरप बाप राजी। अब ये कैल्शियम का सिरप होता है, जैसे खांसी का सिरप होता है उसी तरह कैल्शियम का सिरप होता है बाप राजी। अब देखिए बेटा से हम करेंगे बेरेलियम, मांगे से हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम से हो गया कैल्शियम ही होगा, सिरप से स्ट्रांसियम होगा, बाप से बेरियम होगा, और राजी साहब का क्या होगा, इरेडियम हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ई एम जी सी ए एस आर बी ए आर, ठीक है, बी बेरिलियम, एम जी मैग्नीशियम हो गया, और इस कैल्शियम हो गया स्ट्रांसियम, और बेरियम और इरेडियम हो गया, ठीक। चलिए आप इसको देखते हैं, हम पी ब्लॉक के ये दोनों हमारा क्या था, एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक का आप एलिमेंट कैसे याद करोगे, ये मैंने ट्रिक दे दिया, इसको आप से याद कर। अब देखो हम देखेंगे इसका पी ब्लॉक का तत्व, ये सारा क्या है दोस्तों, सॉरी डी ब्लॉक है, ये क्या यहाँ से आता है डी ब्लॉक है। सो मैंने कुछ एलिमेंट का दोस्तों, कुछ ग्रुप का लिया हुआ है, तो कुछ ग्रुप का आप चुप चले दिखाते, जैसे ये आपका है देख रहे हैं आप, हालांकि आपको साफ नहीं दिखता होगा, तो आप इसको पहले ऐसे दिखता होगा साफ। देखिए ये क्या है, एस से क्या एस्केंडियम है, और वाई क्या आपका यूट्रियम है, और ये आपका क्या है लेंथेनम है, और जो ए सी है ये आपका एक्टिनियम। दोस्तों इसमें एक बात बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं 57 से 71 ना, यहाँ देखिए आप 57 से 71 आपको दिखता होगा शायद, यहाँ आपको दिखता होगा 57 से 71, ये देखिए 57 से 71 देख रहा है ना, ये आपका लेंथेनम ग्रुप का नीचे वाला, ये देख रहे हैं आप, ये इसका है लेंथेनम का, और जो 89 से 103 यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपका नीचे वाला एक्टिनियम का, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। 89 से 103 आपका क्या है, 89 से 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका एक्टिनियम है, इसको बोलते हैं हम लेंथेनम, और इसको बोलते हैं एक्टिनियम, इसको दोस्तों एफ ब्लॉक बोलते हैं, क्या एफ ब्लॉक बोलते हैं, और अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, जैसे हम डी ब्लॉक को बोलते हैं ना संक्रमण तत्व, तो एफ ब्लॉक को हम अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। और जो एस ब्लॉक है इसको बोलते हैं हम क्षारीय तत्व, क्या बोलते हैं क्षारीय तत्व, इसको आप नोट कर लो, इसको क्या बोलते हैं क्षारीय तत्व, और जो पहला ग्रुप को क्षार तत्व, दूसरा ग्रुप उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, मृदा तत्व, ठीक है, इसको भी आप याद रख लो, ठीक है, समझ में आया आप सबको। और देखिए इसमें ये सब देख रहे हैं आप, बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब आपको क्या है, ये उपधातु है, ये क्या है उपधातु है, जो देख रहे हैं इसका ये कलर वाला, ये कलर देखिए, सब क्या उपधातु है, और जितने पीले वाले देख रहे हो ये सब क्या है पीला वाला, ये सब आपका धातु है, ठीक है, ये सब क्या धातु, और ये ब्लू वाला देख रहे हो ब्लू वाला, ये क्या है अधातु है। तो समझ पाए ये सब आप, जो पीले वाला धातु है, और जो ये देख रहे हैं ये देखिए ये भी धातु है, मरकरी भी क्या धातु है, लेकिन ये क्या है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन क्या है, ये आपका एक अधातु है, ये देख सकते हैं आप, ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये क्या है अधातु है। और ये देख रहे हैं नीला कलर, ये तो आपको बताया मैंने, ये क्या है नोबेल गैस है, जो अक्रिय गैस उत्कृष्ट कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और 17 ग्रुप का तत्व जो है ये देख रहे हैं, 17वां ग्रुप, इसमें कौन कौन आता है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, एस्टेटिन या असएस्टेटिन। तो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार याद रखना, ये चारों को हम क्या बोलेंगे हैलोजन ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको याद रख लो हैलोजन ग्रुप। ये 17 का तत्व है ना, 17 है ना, देख सकते हैं आप 17 यहाँ हो जाए, इसको हम दोस्तों बोलेंगे हैलोजन ग्रुप, इसको भी आप नोट कर लो, इसको क्या बोलेंगे हैलोजन ग्रुप दोस्तों, इसको बोलेंगे। आप पूछेगा हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है, तो फ्लोरिन, फ्लोरिन, फिर क्लोरिन, फिर ब्रोमिन, फिर ब्रोमिन, और फिर आयोडीन, आयोडीन, उसके बाद ये है एस्टेटिन, फर्स्टेटिन, ये जो भी है, तो चार ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ देगा फ्लोरीन किसका, किस समूह का था, तो हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये समझ पाए आप, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है इसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, 17वें तत्व, तो क्या बोलते हैं हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, तो आए समझ में। तो चलिए, तो मैंने इसका आपको ट्रिक बता दिया, अब देखिए ट्रिक इसको देखते हैं, अब इसको कैसे याद करेंगे, इसका मैंने दोस्तों ट्रिक लिया है, सक ये लाल अकीन में बदल गया, क्या सक ये लाल अकीन में बदल गया। अब देखिए सक से क्या एस सी हो गया, देखिए एस सी स्कैंडियम देख सकते हैं आप यहाँ, फिर वाई मतलब ये से हो गया वाई, वाई से हो गया आपका यूट्रियम देख सकते हैं, अब लाल, लाल से आपका क्या हो गया लेंथेनम हो गया, अब ये अकीन, अकीन से क्या हो गया ए सी, अकीन मतलब सी का मतलब कई तो होता है, तो ऐसी मतलब क्या अकीन आपका हो गया यहाँ देख सकते हैं, और जो मैं बदल गया इसको आप काट दो, इसको आप ऐसे वेस्ट कर दो, ठीक है। तो इतना इतना याद रखो सक ये लाल अकीन में बदल गया, सक से हो गया स्कैंडियम, ये यूट्रियम, लाल से आपका लेंथेनम, आग से एक्टिनियम, ठीक है, समझ पाए आप ये वाला तीसरे ग्रुप का। अब चौथे ग्रुप को देखिए, चौथे ग्रुप का भी मैंने लिया है, तेरे जिराफ को रफ कर दिया, तेरे जिराफ, जिराफ, जिराफ दोस्तों अब देखिए लंबा ऐसा होता है, अब तेरे से क्या होगा टी आई मतलब टाइटेनियम देख सकते हैं यहाँ, देखिए आप टाइटेनियम, फिर जिर, जिर से मतलब क्या होगा जिरकोनियम देख सकते हैं आप, जड़ आर, अब हाफ, हाफ का मतलब क्या होगा
हैफनियम, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए हैफनियम, और को को हटा दो, आप को को हटा दो, फिर रफ, रफ से क्या आ गया आपका, रफ से हो गया रदरफोर्डियम, यहाँ देख सकते हैं आप रदरफोर्डियम, आप देखो यहाँ रदरफोर्डियम हो गया, ठीक है। अब कर दिया क्या, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो ये चौथे ग्रुप का समझ गया। अब पाँचवा ग्रुप देखिए, ये क्या आपका, ये आपका पाँचवा ग्रुप, इसको देखो आप, पाँचवा ग्रुप के लिए है कर्म वो कर जो सजे, मतलब कर्म अच्छा करो जो सजे, ठीक है। तो कर्म, तो कर्म से आपका क्रोमियम हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कर्म से आपका क्या हो गया, सॉरी मैंने इधर लिया है, यहाँ देखो पहले, हाँ इसको देखो, तो इसको देखो कर्म वो किया, तो कर्म वो, मैंने इसका नहीं लिया, ठीक है दोस्तों, इसका पांचवे का नहीं लिया मैंने, छठे का लिया, तो छठा को आप देखो पहले, तो कर्म वो कर जो सजे, अब कर्म से क्या गया, कर्म जो कर है, जो कर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये कर देख रहे हैं, कर से क्या गया, क्रोमियम हो गया। अब मां से आपका क्या हो गया, मां से आपका हो गया, देखिए आप, मां से आपका हो गया मलिबडेनम, मां से मलिबडेनम, अब कर का काट दो, अब जो का भी काट दो, अब सजे, सजे से क्या हो गया आपका एस जी, यानी कि आप देख सकते हैं एस जी, ये आपका सिबोजरियम, ठीक है। ये छठा ग्रुप का हो गया। अब देखिए, अब मैंने एक और लिया है आपके लिए, अब देखिए आप सातवां ग्रुप का, सातवां ग्रुप का दोस्तों मैंने लिया है मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम और बोडियम, ये सब है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखिए ट्रिक, आप इसका ट्रिक मैंने लिया है मन तरसे रिया भावी को, देखो देखो कितना फनी ट्रिक है, क्या है ये, आप इसको देखिए बढ़िया से, जरा आप अच्छे से देखिए इसको, क्या है मन तरसे रिया भावी को, एक बार आपको नहीं दिख रहा तो इसको लिख लो अच्छे तरीके से, अच्छा रहेगा। तो मन से क्या गया, मैग्नीज हो गया, आप देख सकते हैं मैग्नीज है यहाँ पर, ये आपका कितना सातवां ग्रुप का है। अब तरसे से क्या हो गया, टेक्नीशियम टी सी, और रिया से क्या हो गया आपका, रिया से आपका हो गया रेनियम, और भावी से आपका क्या हो गया बी एच बोडियम, ठीक है। अब देखो आठवां ग्रुप, आठवां ग्रुप ये हो गया आपका आठवां ग्रुप, देखो ये सब ट्रिक को आप लिख लो, आपको याद करने में अच्छा लगेगा, सारे एलिमेंट याद कर लो, और भी मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा। अब आठवें, आठवें ग्रुप में कौन कौन है, फेरस है, रूथीनियम है, ऑस्मियम है और हैजियम है, इसका भी ट्रिक मैंने बताया है, फिर ओ हंसा, यानी कि फिर वो हंसा, तो फिर से दोस्तों आपको क्या हो गया, फेरस हो गया लोहा, और फिर से फेरस हो गया, और जो र है इससे आपका हो गया, इससे आपका हो गया रूथीनियम, यहाँ देख सकते हैं रूथीनियम, र से आपका रूथीनियम आर यू, फिर ओ, ओ से क्या गया ओ एस, ओ से आपका ओस्मियम, ओसियम, ओस्मियम जो सबसे भारी धातु है, और हंसा, हंसा से आपका क्या हो गया हैजियम। तो समझ पाए दोस्तों, तो दोस्तों मैंने पीरियोडिक टेबल का मुझे जहाँ तक जानकारी था मैंने आपको वहाँ तक बताया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है दोस्तों।